हाँ 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 भैया क्या बात है, क्या बात है। हाँ नहीं भैया देख रहे हो पीछे से लुक कैसी आ रही है यार, क्या बात है, क्या बात है, सेक्सी लग रही है ना। ओ भाई अभी हम करवा रहे हैं यहाँ पे बैटरी चेंज, जो कि सबसे बड़ी चीज है। तो ओस पड़ रही है और पूरी जैकेट आगे से गीली हो रही है। मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, फिर मैंने महापुरुष से पूछा, ये बोल रहे हैं कि ओस पड़ रही है। और यहाँ पे भी देख रहे हो आगे से बाइक पूरी गीली हो चुकी है, क्या बात है। तीन बार मैंने प्लान बनाया घर से बाहर जाने का, पता है बाहर आके देख रहा था गाइस मजे खजल करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे अपनी पब्लिक, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होनी चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। तो फिलहाल आज सुबह से मैं तीन बार प्लान बना चुका हूँ घर से बाहर जाने का। क्यों जा रहा हूँ बाहर, एक्चुअली में आज मंडे है तो पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाएगा। तो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, कहीं भी बंद हो जाती है, फिर धक्का लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी कभार तो ऐसी जगह बंद हो जाती है वहाँ पर मैं अकेला होता हूँ तो धक्का भी नहीं लगता है। तो इसीलिए आज मैं सोच रहा हूँ बाइक की बैटरी चेंज करवा दूँ, और उसके जो फ्रंट वाले डिस्क पैड हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, आवाज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलता हूँ तो जाके चेंज करवाते हैं जाके। नहीं मानोगे, सुबह से तीन बार मैं ट्राई कर चुका हूँ निकलने की बाहर, बट बाहर आज मौसम ऐसा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा घर से बाहर जाने का। मैंने बोला था कि 30K पे क्यों नहीं वीडियो करेंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छे, कुछ ऐसे वैसे, तो 30K पे करेंगे क्यों नहीं वीडियो एक अच्छे से प्रॉपर से। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन अभी रह चुका है तो वो आज पूछ ले, मैं नोट डन कर लूँगा और फिर एक क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे अच्छी सी मस्त सी। तो बाकी बातें करते हैं रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं अभी जाने में, सीधा नरवाल में आदमी वेट कर रहे हैं। पूरा आधा घंटा मैंने लगाया है बाइक स्टार्ट करने में, अकेले ने धक्का लगा के ये कैसे स्टार्ट किया ना मुझे पता है। कल भी यही सीन हुआ था जब हम राइड पे गए थे, वहाँ पे एक जगह थोड़ी देर रुके, वहाँ पे बाइक बिल्कुल बंद होगी और फिर धक्का लगाना पड़ा और फिर जाके स्टार्ट हुई है। अभी हमने फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने हेलमेट का वाइजर नीचे किया हुआ है और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, आगे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे रख रहा हूँ ताकि यही रोड है उस साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, हेडलाइट ऑन है सबकी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना आज जम्मू में, तो तुम सब भी बताना कहाँ से और तुम्हारे एरिया में कैसी है ठंड। अपने जम्मू में तो इतनी हो रही है भाई कि घर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने बिल्कुल नहीं जाना था घर से आज, घर वाले बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंड है कहाँ जाएगा ठंड में, बट बाइक की मजबूरी थी इसीलिए जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए और जो ये काम है थोड़ा बहुत करवाने वाला ये रह जाएगा, और लॉकडाउन में तो तुम्हें पता ही है कुछ नहीं होने वाला। देख रहे हो एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ और एक हाथ मैंने डाला है जेब में, इतनी ज़्यादा ठंड है यार। बस फटाफट ये दो महीने निकल जाए ठंड वाले, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ओहो आगे प्रॉपर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा आगे रोड पे, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इतनी ज़्यादा फॉग हो रखी है ना कल से ज़्यादा है, क्या बात है। मुझे लगता है आज होगी बारिश, ऐसा मेरे को लग रहा है। देख रहे हो बंदा रॉन्ग साइड आ रहा है, वो भी इस टाइम और विदाउट हेडलाइट के, और जो उस साइड से अपनी साइड गाड़ियाँ आ रही हैं उन्होंने हेडलाइटें ऑन की हुई है और ये रॉन्ग साइड आ रहा था बंद रखी हुई थी। ओहो मुझे लग रहा है बारिश स्टार्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो नरवाल में एंटर होते ही आगे हमें कुछ मिल चुका है, हैवी वाला ट्रैफिक, हल्का फुल्का नहीं। आज इतना ट्रैफिक क्यों है, क्या सीन है, इसका क्या रीज़न है इसके पीछे। मैं सोच रहा था कि ठंड में सिर्फ मैं ही घर से बाहर निकलूँ, पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे सिवा भी काफ़ी सारे लोग घर से बाहर निकले हुए हैं काम से। तो बाइक मैं बंद नहीं कर सकता, मुझसे धक्का नहीं लगेगा अकेले में भाई। ए, हमें जाना है यहाँ से नीचे सीधा ट्रांसपोर्ट नगर, कहाँ पे है आज पहली बार मुझे ट्रक वालों से डर लग रहा है, देख रहे हो बिल्कुल पास से जा रहे हैं। भाई साहब ध्यान से, चाचा वाव, चाचा हमें जाने दो पहले। सो फिलहाल गाइस हम पहुंच चुके हैं इस महापुरुष के पास जिसने हमें इतनी ठंड में ट्रांसपोर्ट नगर में घुमाया। तो अभी हम करवा रहे हैं यहाँ पे बैटरी चेंज, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। अभी भैया बोल रहे थे कि ये चार्ज हो जाएगी, मैंने बोला नहीं चार्ज नहीं करनी है, तो न्यू बैटरी डालेंगे क्योंकि दिक्कत होती है। सो गाइस ये वाली बैटरी मैं दे रहा हूँ पुरानी 200 रुपये में, और नई मेरे को मिल रही है 1800 की। मतलब मैंने भैया को बोला यार महंगी ले लो, थोड़े से मेरे पैसे बच जाएंगे, बट नहीं, झगड़ा झुगड़ा करके बड़ी मुश्किल से 1800 पे बात डन हुई है, आधे घंटे बाद झगड़ा करके। तो अभी फाइनली बैटरी चेंज हो रही है, ये मैं आज इसीलिए चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, पता है। गाड़ी के साथ कैसे बजा मैं, हाँ ये वाला शीशा बजा था पूरा, बाइक पूरी एक साइड से स्किट हुई थी।
ओहो देख रहे हो अंदर कितना कचरा है भाई। आदिल भैया मैं आपको यहाँ पे फिट कर दूंगा अगर बाइक बाई चांस नहीं स्टार्ट हुई, क्या बोलते हो? तो ओस पड़ रही है और पूरी जैकेट आगे से गीली हो रही है। मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, फिर मैंने महापुरुष से पूछा, ये बोल रहे हैं कि ओस पड़ रही है। और यहाँ पे भी देख रहे हो आगे से बाइक पूरी गीली हो चुकी है, क्या बात है। बिना बारिश के जैकेट गीली हो रही है, क्या बात है। फाइनली बैटरी डल गई आज, क्या बात है। बस आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाने वाला। एक्साइड की है ना भैया? कितने साल की वारंटी है इसकी? एक साल की। एक साल की? बस एक साल की। बोल ना। दो साल की है। नहीं यार भैया, कितने साल की वारंटी है इसकी? दो साल की। कोई नहीं, एक साल चल जाएगी तो बहुत है ना, क्या बोलता है। सही बोल रहा हूँ ना, एक साल चलनी चाहिए। आज इस बैटरी की वजह से मुझे ठंड में घर से बाहर निकलना पड़ा, वरना मैं आता नहीं इतनी जल्दी। तीन बार मैंने प्लान बनाया घर से बाहर जाने का, पता है। बाहर आके देख रहा था भाई, मुझे खजल करके। नई चीज दिखाता हूँ तुम्हें, बड़ा मजा आ रहा है आज करने में, देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो आज बारिश नहीं पड़ रही, आज ओस पड़ रही है और ओस से भी गीले हो रहे हैं भाई, देख रहे हो। हो स्टैंड लगा, सॉरी। मैं सोच रहा था 1800 का फटका लग गया, बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं तो गरीब हो जाऊंगा। मैंने बड़े तरले किए, मैं हाँ भाई साहब थोड़े से कम कर लो, बट नहीं। अंकल जी थोड़ा साइड कर लो, खराब है, क्या बात है। रेस्ट करो फिर ऐसे निकलेंगे। चाचा साइड। अभी आदिल भैया ने लेना है गाड़ी के लिए थोड़ा बहुत सामान, वो मिलेगा हमें अकाल साई से, होप कि मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। ठंड में मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का, ऊपर से अगर ट्रैफिक में घुस जाओ। हाँ 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 भैया, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ नहीं भैया मेरे को बोलता रख दो थोड़ा सा आगे। मैं यार स्कॉर्पियो की ना वो चाहिए हमें, जैसे वो खिड़कियों के ऊपर नहीं रबड़ लगती है, वो चाहिए, मिल जाएगी। अतुल गुलू, चलो। जिगर का छल्ला, मेरे जिगर का छल्ला। हाँ सो गाइस, यहाँ पे हमारा 200 रुपये का फटका और कट चुका है। मेरा और आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, बाय बाय। नहीं यार मैं जाता हूँ, थोड़ा काम करवा लेता हूँ बाइक का, गोप्रो डेड होने वाला है यार। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतनी गाड़ियाँ आई कहाँ से आज। वैसे तो यहाँ पे इस रोड पे ना शाम के टाइम ट्रैफिक होता था, बट आज 12-1 बजे का टाइम है और अभी से ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को इधर फंसे हुए। और अपना गोप्रो होने वाला है डेड, क्या करें भाई, इतनी गाड़ियां अपने जम्मू में। आज जम्मू अपना मेरे को दिल्ली लग रहा है पूरा। ओ हो क्या बात है। तो मैं यहां पे डिस्पैच डलवाने के लिए, बट अपना गोप्रो हो चुका है डेड, वो रख दिया मैंने उधर साइड पे, तो फिर करवाते हैं यहां से चेंज और फिर निकलते हैं फटाफट बाहर। इतना ज़्यादा हाईवे पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है ना आज, क्या बताऊँ। देख रहे हो सिर्फ KTM में क्या हालत करके रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो। ये अपने डिस्क पैड ऐसे लग रहा है कि पूरा लोहा है, कुछ भी नहीं था ऊपर, अच्छा हुआ चेंज करवा लिया वरना और नुकसान हो जाता है। देख रहे हो दूसरे वाला, देखो कैसा हो गया। ओ भाई क्या हालत हो गई है इसकी, देख रहे हो। ओहो अभी चल जाने थे, साल हो रहा है नी। सो गाइस ये अपने नए वाले देख रहे हो, एकदम फ्रेश, और इनमें और इनमें देखो कितना फर्क है, देख रहे हो, ये तो चमक रहा है। वाह यार क्या बात है। फाइनली गाइस यहाँ पे अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, देख रहे हो पीछे से एकदम बवाल वाली लुक आ रही है, जबरदस्त वाली, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बट एक ही चीज की दिक्कत होगी, काफी ज्यादा गंदी होती रहेगी। बट देख रहे हो पीछे से लुक कैसी आ रही है यार, क्या बात है, क्या बात है। सेक्सी लग रही है ना, ओ भाई जबरदस्त। ऑलराइट गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर वापस, तो बाहर है काफी ज्यादा ठंड। तो कटे ब्लॉग का यहीं पे एंड, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। घर पे रहो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और दूरी बनाए रखो। तो मिलता हूँ कल एक अच्छी सी मस्त सी वीडियो लेके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपना और अपनी फैमिली का,